फाइनली गाइस, आज हमारे साथ है अमित भाई। मैंने आपको बोला था कि मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं, एक ऐसा इंटरव्यू आपको देने वाला हूं जो YouTube पर क्रिकेट के वीडियो डालकर पैसा कमाते हैं, क्रिकेट के इमेज यूज करके, उनका वॉइस ओवर करके वीडियो से पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। तो आज है हमारे साथ UTV News 24 के ओनर अमित भंडारी जी। बिल्कुल ठीक है, तो आज ये आपको सारी चीजें बताएंगे गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हकीकत पता चले। कई बार ऐसा होता है कि लोग यहां पर अफवाहें फैला रहे हैं इंटरनेट पे कि क्रिकेट की वीडियो से या फिर क्रिकेट की न्यूज डालकर हम पैसा नहीं कमा सकते, वहां पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। लेकिन फाइनली ये भाई जी हैं अमित भाई, काफी पुराने हैं, मेरे मित्र हैं, जब से हमने चैनल स्टार्ट किया था, मैं काफी पहले से आया था, बाद में भाई जी भी आए 2017 में, और इन्होंने भी, इनकी लाइफ काफी स्ट्रगल थी। ये आपको खुद बताएंगे कि आखिर ये कैसे यूट्यूब चैनल पे आए, और वो भी क्रिकेट वाले पे। पहले इन्होंने टेक चैनल पे भी काम किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। तो सारी जानकारी आपको देंगे, और देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पर सारी प्ले बटन भी हैं, इनको गोल्डन प्ले बटन भी मिला है, इनके चैनल पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो आखिर ये आपको सारी जानकारी देंगे कि आखिर आप अगर इस लाइन पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि IPL आ चुका है और काफी सारे लोग बोल रहे थे कि सर IPL से पहले वीडियो लानी चाहिए, तो आप जैसा चाहोगे मैं वैसा काम करता हूँ। आपको वीडियो चाहिए थी, इंटरव्यू, मैं रात में खुद निकला 400 किलोमीटर अपने घर से, भाई के पास आया रात में 3-4 बजे, और ये अब आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे यूट्यूब पर ये आए, और कैसे कैसे चैनल बनाया, और कैसे कैसे कहाँ से वीडियोस लेते हैं, फोटोज यूज करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे कैसे आपको पैसा मिलता है, कितना पैसा इन्होंने अभी तक कमाया, सब कुछ सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अमित भाई, हमारे ऑडियंस को आप अपना इंटरव्यू दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इंटरव्यू देने से पहले मैं अंशु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे, कि इन्होंने भी कम स्ट्रगल नहीं किया अपनी लाइफ में, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कल शाम को इन्होंने मेरे पास कॉल कर दिया कि अमित भाई मैं आ रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड है यार, ऑडियंस जो चाहेगी अगर वो ऐसा देंगे तो अच्छा रहेगा, अब लोगों को फायदा होगा। तो कल शाम को फोन किया और आज रात को पूरी नाइट गाड़ी चलाई 400 किलोमीटर, और 2 बजे यहाँ पे आके पहुंच गए। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कितना स्ट्रगल। देखो मेरा काम है, ऑडियंस जो चाहती है, मेरी जो सब्सक्राइबर्स जो चाहेंगे मैं वैसा काम करूं। बिल्कुल ठीक है, उनको लाइव इंटरव्यू चाहिए था, पता होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि दूर से मैं क्या बता रहा हूं लोग कम मानते हैं। एक एक्सपीरियंस बंदा जो खुद मिलियन में सब्सक्राइबर्स है और खुद लाख रुपए से ऊपर ज्यादा मंथली कमा रहा है उसी चैनल से, सिर्फ वीडियोस यूज करके, फोटो यूज करके, क्रिकेट के, क्योंकि क्रिकेट आ चुका है IPL। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी ऑडियंस को सबसे पहले आप बताइए कि आखिर आपकी लाइफ कैसे थी, बाद में आपको बताएंगे कैसे कैसे क्रिकेट से वीडियो आप पैसा कमा सकते। ठीक ठीक है, अंशु मैं बताता हूँ। सबसे पहले भाई मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं आगरा में रहता हूँ। अंशु भाई तो 400 किलोमीटर दूर रहते हैं मुझसे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा था कि भाई यूट्यूब पे मुझे आना है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पिताजी उस समय प्रधानपति थे, यानी कि हमारी माताजी प्रधान थी। तो मैं सोच रहा था यार कि क्या किया जाए, और ऐसा क्या किया जाए जो कि सबसे अलग हो थोड़ा सा, क्योंकि नौकरी तो सभी लगा लेते हैं यार, थोड़ा सा स्ट्रगल करे, थोड़ा सा मेहनत करके नौकरी सभी लगा लेते हैं, मगर सबसे थोड़ा सा भाई अलग क्या अलग किया जाए। हाँ हाँ सही बात, जिससे कि थोड़ा सा एप्रिसिएट मिले। जी 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 ठीक है। तो मैंने सोचा भाई, जनवरी 2017 में मैंने एक चैनल बनाया, और वो चैनल पे मुझे पता ही नहीं था कि कॉपीराइट क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने गाने वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैंने, अगर आप ये क्वेश्चन करोगे कि फर्स्ट आपकी वीडियो कब अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो वो मैंने की थी 2010 में। अच्छा 2010 में की, 2010 में की थी, मगर मुझे ये पता नहीं था। हाँ हाँ हाँ, कि यूट्यूब वीडियो अपलोड हो रही है, मैंने ये समझ के की थी वो, कि ये गाना है मेरा फेवरेट, इसको मैं आपने सेव कर दूंगा तो सेव रहेगा कि जाएगा नहीं। अच्छा, आपने कितने चैनल पे पहले, ये जो बड़ा चैनल इसे खड़ा होने से पहले आपने कितने चैनल पे काम किया? इससे पहले देखो मैंने सबसे पहले एक चैनल बनाया था स्पेशल टैग नाम से। अच्छा अच्छा, उस पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, और मेरा पेमेंट आने वाला था पहला, चैनल डिलीट हो गया, उससे पहले एडसेंस डिलीट हो गया। अच्छा, एडसेंस परमानेंटली। अच्छा, इनवैलिड एक्टिविटी, इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से। अच्छा, अच्छा, और वो डिलीट हो गया। मैंने क्या गलती की थी, मैं जिम गया, जिम में एक लड़के ने मेरा फोन ले लिया, अंशु भाई। अच्छा, फोन लेके उसने मेरी वीडियो देख ली। अच्छा अच्छा, तो ये गलती आप लोग मत करना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अपने, अगर आपका ऑन हो जाता मोडाइजेशन तो आप अपने फोन पे बिल्कुल मत देखें, वो जीमेल स्विच करके भी ना देखें ज्यादा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रैफिक ज्यादा नहीं होगा तो समस्या आ सकती है, अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। ठीक है, अब हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं कि आपने ये वाला न्यूज वाला जो चैनल है, ये क्रिकेट वाला, बता ये दिमाग कहां से आया? बताता हूँ। तो मेरा वो एडसेंस डिसेबल हो गया, परमानेंटली हो गया, तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया,
मगर खराब कितने समय रहा, 1 घंटे। अच्छा अच्छा, ओनली 1 घंटे। उसके बाद मैंने सोचा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, दूसरा चैनल बनाऊ। तुरंत मैंने टेक्निकल भंडारी नाम से चैनल बनाया। अच्छा, 6 महीने काम किया, 11,000 सब्सक्राइबर हो गए। मगर गलती क्या कर दी मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, आपको ये गलती कतई भी नहीं करनी है। हाँ। जो मेरा एडसेंस में मोबाइल नंबर लग रहा था पहले वाले में, वही मोबाइल नंबर मैंने इस वाले एडसेंस में लगा दिया। अच्छा, एडसेंस का नंबर नहीं करना, चैनल पे आपने वेरीफाई करके तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। हाँ। मगर एडसेंस एक नंबर से नहीं। अच्छा, एडसेंस में आपको यूनिक नंबर डालना है। बिल्कुल, सबसे अलग नंबर होना चाहिए। हाँ। और उसका भी एडसेंस मेरा मोनेटाइजेशन ऑन होने से पहले डिसेबल हो गया। अच्छा, बताओ इतनी बड़ी समस्या है, फिर आपने इतना बड़ा चैनल कैसे खड़ा किया? फिर उसके बाद जस्ट मैंने माई सरकारी न्यूज नाम से एक चैनल बनाया। अच्छा, माई सरकारी। हाँ, उसमें मैं मोदी गवर्नमेंट वगैरह की न्यूज वगैरह डालता रहता था। अच्छा, अच्छा। मगर फिर मैं डिमोटिवेट हो गया थोड़ा, 15 दिन मैंने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। अच्छा, काफी कितने वीडियो डाल दिए थे आप? मैंने उस पे 200 वीडियो डाल दिए थे। कल तो आपने कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए था। कोई कोर्स वोर्स भाई मैं बता रहा हूँ आपको, आप इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो रहा था, गुवारा नहीं हो रहा था, आप कोर्स ज्वाइन कर लेते ना, ऐसा है आपका काम हो जाता। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं भाई उस समय तक इतना तो समझ चुका था। हाँ। कि जो कोर्स में है वो यार फ्री मिल रहा है, कोर्स ज्वाइन करने से फायदा गया है मेरे भाई। मैं प्रो यूट्यूबर बन ले। अरे यार सुनो सुनो, मैं आपको बताऊं, प्रो यूट्यूबर भैया कुछ नहीं होता, ये सब पैसे कमाने का चक्कर है यार। आप समझदार हो, खुद आप समझ जाओ। अच्छा ठीक है, फिर आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये न्यूज वाला पे कैसे आप काम किए। हाँ। और क्या दिमाग में आया? हाँ, कि नहीं, क्रिकेट वाला मैं आपको बता दूं। जी, तो वर्ल्ड कप 2019, अच्छा, फाइनल मुकाबला आने वाला था। अच्छा, मेरे दिमाग में आइडिया है यार, अपन लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है शुरू से। सही बात है, ऐसा करते हैं आज क्रिकेट की वीडियो डालते हैं। तो मैं 5-6 दिन लगातार क्रिकेट की वीडियो में डाल रहा था। क्रिकेट की वीडियो डालते डालते अचानक से मैंने एक वीडियो डाला शाम को कि भाई, अच्छा, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था उस समय। अच्छा। वो मैच पानी की वजह से, बारिश आ गई थी, तो मैच कैंसिल हो गया। कैंसल तो हो गया। कैंसल होने से पहले मैंने वीडियो डाल दी। अच्छा, मुझे पता लग गया थोड़ा यार बारिश होने वाली है तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने डाल दिया कि भाई आज का मैच कैंसिल, कल होगा दोबारा। अच्छा, हो चाहे ना हो, लेकिन कैंसिल आपने डाल दिया मैंने वो। अच्छा। भाई क्लिकबेट करना थोड़ा जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं बताएगा। अंश भाई बताते हैं और कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो उस वीडियो में जब मैं सुबह जगा तो 7.5 लाख व्यूज आ चुके थे। ओ भाई साहब, 7.5 लाख, खुशी का ठिकाना नहीं था। वायरल, ओ भाई साहब, खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब कहीं भी, मतलब मैच बंद हो या ना हो, आपने पहले बना दिया। वाह, क्या अफवाहें आपने फैला दी, वो अफवाह एक फैल गई। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताऊं, अफवाह नहीं थी, एक तरीके से बंद हो गया। हाँ, वो हकीकत में बंद हो गया था। फिर तो उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे इसी फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करता रहा फिर, मगर व्यूज आना कम हो गया चैनल। अच्छा, वर्ल्ड कप के बाद। मगर फिर भी मैंने, मुझे पता था यार कि एल्गोरिथम यूट्यूब इस तरीके से काम करता है, कभी ऊपर ले जाएगा कभी नीचे आएगा। अच्छा, मगर मैं पलटे काम करता रहा। ये बताइए हमारे ऑडियंस को, ये जो वीडियो और ये फोटोज, बिल्कुल कहाँ से लेते हो फोटोज, कहाँ से लेते हो, कॉपीराइट ना आए? भाई आपसे जो कहता है ना कि क्रिकेट की वीडियो पर कॉपीराइट आता है, फोटो मर लो, सब डराने काम कर रहे हैं। गूगल से आप क्लियरली फोटो डाउनलोड कर सकते हो, बशर्त एक शर्त है, उस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी का लोगो नहीं होना चाहिए। उसको अगर है तो उसको क्रॉप कर दीजिए या फिर हटा दीजिए उसे, और उसमें अपना लगा लीजिए। हाँ, रिमूव कंटेंट नाम से कुछ एप्लीकेशन आता है। अच्छा, उससे हट जाता है। अच्छा, रिमूव कंटेंट नाम से एप्लीकेशन, उससे आप हटा दीजिए, बिल्कुल हट जाता है। ठीक है, हाँ, तो आप वहां से ले सकते हो, नंबर वन। नंबर टू, आप BCCI की वेबसाइट पे जा सकते हो, अगर मैच आ रहा है कोई BCCI। हाँ। इंडिया वगैरह का मैच आ रहा है। हाँ। तो वहां से ले सकते हो। अगर IPL का मैच आ रहा है। हाँ, तो IPL20.com। हाँ, IPLT20.com। हाँ। वहां से ले सकते हो, एकदम क्लियर फोटो मिलते हैं यार। हाँ, हाँ, सही कह रहे हो आप। हमारा एक चीज ध्यान रखना है, वीडियो वगैरह डाउनलोड करके मत डालना। हाँ, वीडियो मत डालना। हाँ ठीक है, नहीं तो पंगा हो सकता है। मेरे चैनल पे एक बार स्टक आ चुका वीडियो। अच्छा, वीडियो नहीं डालना है। हाँ, वीडियो तो मान लीजिए कि वीडियो कहां से अगर डालना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या होता है कि अगर हम थोड़ी बहुत क्लिप लगा के। हाँ। हम अगर अर्निंग करके, काफी सारे चैनल देखा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या इसका फंगा क्या है कि आप अपने चैनल पे नहीं डाल रहे हो ये वीडियो वगैरह, ऐसा क्या है? देखो मैं आपको बताऊं भाई, मैं एक तरीके से सेफ रखना चाहता हूं अपने चैनल को, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों की यार सब दुआएं और इसी वजह से हो पाए। तो अगर मैं वीडियो डाल दूं, कल स्ट्राइक आ जाए एक, लगातार दो तीन मान के चलिए मैंने 2-3 वीडियो डाल दी। अच्छा अच्छा, एक स्ट्राइक नहीं आई, लगातार आगे 3 चैनल खत्म। हाँ, ये भी बात सही है। तो मतलब क्या पड़ रहा है यार, जब अपना वैसे ही काम चल रहा है तो फोटो से काम चल रहा है। फोटो काम चल रहा है, तो फोटो डालते ही, फोटो से ही। वॉइस ओवर आप कैसे करते हो, माइक से? हाँ हाँ, वॉइस ओवर के लिए मेरे पास एक माइक है, दिखाना अंश भाई। ये वाला माइक? हाँ, बोया का है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये बोया का माइक है, और बोया BY-MM1। अच्छा अच्छा, कितने? ये 1600-1700 रुपए का माइक आता है। मिल जाएगा ये, बिल्कुल। और इसमें काफी अच्छी आवाज भी आती है, बिल्कुल।
क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी आवाज में कितनी क्वालिटी है, दम है, बिल्कुल एक्सपीरियंस कितना है बोलने का, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताएंगे, सबसे पहली पेमेंट आपकी कितने दिन बाद आई थी भाई? अगर मतलब किस बात की पेमेंट पूछ रहे हैं आप, एडसेंस या फिर कोई अदर? नहीं, यूट्यूब की, मेरी आई थी पेमेंट जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। 1,00,000 सब्सक्राइबर पे आई थी आपकी फाइल? कितनी आई थी वो? 1,06,000 रुपए। क्या 1,06,000 रुपए? 1,06,000 रुपए फर्स्ट पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट आई थी। देख सकते हो मैंने भी लिया है 23-23 लाख रुपए पहला पेमेंट थी, लेकिन भाई का क्या था 1,06,000। अच्छा अंशु मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने घर वालों को बताया कि भाई मेरा पेमेंट आ चुका है 1,06,000 रुपए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं आता है, ऐसे पेमेंट आता ही नहीं है। अच्छा, मैं तुरंत गया एटीएम का, इसकी वो क्या नाम है, इसकी उन्होंने फोटो खींच के लाया, बताया था तुमने? अच्छा, बताया था कि मैं घर पे विश्वास ही नहीं करता, कोई कोई ऐसा है भाई गांव में कोई विश्वास नहीं करता है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव से बिलोंग करते हैं। और अब आप ये बताएंगे कि किस कितने व्यूज पर आपको कितना पैसा मिल जाता है? वो मैं बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब मैंने क्रिकेट की वीडियो डालना स्टार्ट किया वर्ल्ड कप से, तो 2 महीने लगे बस केवल अंशु भाई, 2 महीने में 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे। अच्छा, ऐसा क्या है, आप क्या टाइटल डालते हो, इस चीज को बताएंगे, क्या मैटर करता है इसमें? मैं आपको बताता हूँ, वीडियो वायरल करने के लिए भाई जितना मैंने सीखा है मैं उसे बता सकता हूँ, मैं कोई प्रो यूट्यूबर नहीं बना रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मैं बस जितना सीखा हूँ वो बता सकता हूँ। आपका जो टाइटल है 60 और 70 वर्ड के बीच में होना चाहिए फर्स्ट नंबर। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये मैंने नहीं खुद, कि 100 कर ले, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये मैंने खुद देखा है, अपने चैनल पे एक्सपीरियंस किया है, कई बार किया है, जब जब मैं 60 और 70 वर्ड के बीच में टाइटल डालता हूँ वीडियो वायरल हो जाती है। 60 से 70 वर्ड के बीच में, ठीक है, 100 पूरा नहीं कर देना टाइटल, ठीक है। और उसके बाद जो आपका थंबनेल है, थंबनेल भाई क्लिकबेट होना चाहिए, क्लिकबेट मतलब सस्पेंस, फुल सस्पेंस, बिल्कुल, ठीक है, देख के पता ही नहीं चलेगा आखिर वीडियो में क्या है। हाँ, और उसके बाद जो आपका थंबनेल है और जो टाइटल है मैच करनी चाहिए। अच्छा, टाइटल और थंबनेल मैच मैच करने चाहिए, और डिस्क्रिप्शन भी मैच करनी चाहिए। अच्छा, ये तीनों चीज मैच करनी चाहिए। मैं टैग लगाता हूँ, मगर टैग इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, टैग थोड़ा सा पुश कर सकता है आपकी वीडियो, मेन काम होता है टाइटल और थंबनेल का। अच्छा, और जो सबसे मेरी नजर में बता रहा हूँ 90% काम थंबनेल का होता है मेरे भाई। अच्छा, लेंथ कितनी बनानी चाहिए इन्हें, जितने भी नए क्रिएटर अगर बनाना चाहें, इस लाइन पे आना चाहें? अगर आप क्रिकेट की वीडियो बनाना चाहते हो तो भाई मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 1.5 मिनट की बना सकते हो स्टार्टिंग में। अच्छा, क्योंकि थोड़ी दिक्कत आएगी बोलने में। हाँ, बोलने में। हाँ, तो 1.5 मिनट की बना सकते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 3 मिनट तक ले आ सकते हो। अच्छा, ये न्यूज आप लेते कहाँ से हैं? गूगल न्यूज नाम से एक एप्लीकेशन आता है, गूगल न्यूज नाम से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ट्विटर पे अकाउंट बनाइए अपना। अच्छा, अपडेट रहिए उसमें, ट्विटर पे अकाउंट बना के जितने भी खिलाड़ी हैं पूरे वर्ल्ड के, हाँ, वर्ल्ड के सभी को फॉलो करिए, कर लीजिए, BCCI को फॉलो करिए, ICC को फॉलो करिए, T20.com उसका फॉलो करिए, ऑटोमेटिक न्यूज आती रहती है, आपको अपडेट मिलते रहेंगे, मिलते रहते हैं, मगर एक्टिव रहना पड़ेगा भैया, ये नहीं है कि वीडियो मतलब कभी मैच हो रहा आप सो रहे हो। अच्छा, एक चीज आपको मैं जानना चाहूंगा, आपने अपने इस चैनल से मैक्सिमम कितना पेमेंट लिया है एक महीने का मैक्सिमम? 1 महीने का पहले बताइएगा। देखो मैं आपको बताऊं, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, मगर मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपके पास, आप लगा देना अभी। लगभग 2,40,000 रुपए का लगभग। अच्छा अच्छा, करीब इतना है, ठीक है ठीक है। तो अब ये बताएंगे आप हमारे, और एक दिन का कितना? एक दिन का मेरा जो हाईएस्ट पेमेंट था वो था भाई 45,000 रुपए। 45,000 रुपए एक दिन में कमाया था। ये सिर्फ क्रिकेट की वीडियो जो होती है, फोटो लगा के वॉइस ओवर करते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा। अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का लगाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेते हैं आप? बैकग्राउंड म्यूजिक कई वेबसाइट है, NCS YouTube से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्रेडिट देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ता भाई। अच्छा, उनको नहीं देना पड़ता? नहीं देना पड़ता। NCS जो नो कॉपीराइट है उसको नहीं देना पड़ता। अगर आपको वहाँ पे भी थोड़ा एक ही यूज करिएगा हर में, वीडियो में अलग अलग, ये बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। एक ही आप म्यूजिक यूज करिए सभी वीडियो में, बिल्कुल, बस ये चीज है, ठीक है। और उसके बाद भाई मेन चीज डिपेंड करता है भाई आपका जो थंबनेल है। थंबनेल पे मान के चलिए कोई बंदा आ रहा है, वो YouTube चला रहा है, आपका थंबनेल दिखा, वो ये क्या है इसमें भाई? हाँ। उसने भाई क्लिक किया, फर्स्ट नंबर क्या हो गया? थंबनेल आ गया। हाँ, थंबनेल आ गया। वीडियो के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वॉच टाइम पूरा मिले। थंबनेल पे क्लिक करके वो आ गया, वॉच टाइम पूरा मिल गया, उसके बाद क्या होगा, वीडियो वायरल चली जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो बनाते कैसे? बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर आता है। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर पे? अच्छा अच्छा, कंप्यूटर, लैपटॉप पे, किसी मोबाइल से जैसे बनाना चाहें। हाँ, मोबाइल से अगर बनाना चाहते हो आप लोग तो पावर डायरेक्टर सबसे बेस्ट है ऐसी वीडियो के लिए। काइन मास्टर भी इसे करते हैं? काइन मास्टर में थोड़ा सा दिक्कत आएगी उनको। कैसे? काइन मास्टर में बार बार फोटो लगाना पड़ता है, बार बार, पावर डायरेक्टर में एक बार लगा दो पूरा चला जाता है। ओहो,
बात समझ गए, पावर डायरेक्टर आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल, और एडिटिंग वगैरह इन्हीं से, ये आप तो लैपटॉप से करते हैं ठीक है प्रेजेंट टाइम में। तो और एक चीज हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि IPL आने वाला है बिल्कुल, तो कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं लोग, क्या ऐसा वीडियो डालें कि उनका वीडियो वायरल हो IPL? देखो मैं आपको बताऊं, सबसे फर्स्ट नंबर तो आप सिंपल, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जानकारी थोड़ी कम होती है स्टार्टिंग में, तो पहले आप 11 प्लेयर उठा लीजिए। अच्छा 11 प्लेयर एक टीम के, मान के चलिए पहला मैच आ रहा है CSK और KKR का, ठीक है, तो CSK और KKR के दोनों के 11-11 प्लेयर प्रोबेबल प्लेइंग 11 यानी कि संभावित 11 खिलाड़ी कौन कौन खेल सकते, तो आप बता सकते हो कि भाई इतने बजे से मैच स्टार्ट होगा और यहाँ पे होगा, और पिछला जो पिछला सीजन था उसमें उसको भी दिखा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, वो मतलब किसने जीता था, हाँ किसने जीता था, किसने कितने रन बनाए, कौन ज्यादा खेला था, और अब की बार KKR में ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे, ये ओपनिंग करेंगे, ये ऑलराउंडर हैं, और CSK में ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे, आप इसको इस एप्लीकेशन पे लाइव देख सकते हो, सिंपल इस तरीके से है सिंपल। तो आज आपको कैसा लग रहा है अगर आप क्रिकेट के वीडियो डालते हैं, कब आपको लगता है कि ज्यादा बूस्ट आपको कब मिलता है, ज्यादा पैसे कब आते हैं? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा पैसे भाई या तो T20 मैच चल रहे हो, अच्छा अच्छा, या वर्ल्ड कप चल रहा हो, एशिया कप चल रहा हो, मतलब कोई ICC का टूर्नामेंट चल रहा है, ICC, अच्छा अच्छा अच्छा, ICC का टूर्नामेंट चलता है, तब ज्यादा आपको फायदा होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग सर्च करते हैं उस चीज को, बहुत ज्यादा ऑल ओवर इंडिया भाई, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे वो फालतू यानी घर पे पड़े रहते हो, मगर क्रिकेट भाई हर बंदा देखता है ज्यादातर, इसीलिए मैंने क्रिकेट को चूज किया था, क्योंकि इसकी ऑडियंस बहुत है, बहुत है, बहुत ऑडियंस है इसकी, तो कंपटीटर भी बहुत हैं इसमें, ऐसा नहीं है, कंपटीटर बहुत है मगर आप में टैलेंट होना चाहिए, थोड़ा सा आगे निकल सकते हो आप, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आप ये बताइए कितने पेज व्यू पर आपको कितना डॉलर मिल जाता है? मैं आपको बताता हूँ, जो RPM रहता है मेरा वो रहता है 0.28-30 किलो का रहता है, मतलब करीब आपको 3,000-3,500 आराम से आपको $1 मिल जाता है, तो व्यूज भी तो स्टार्टिंग में, मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में बहुत कम मिलता है, स्टार्टिंग में 15 लाख मिलता था मुझे, 15 लाख व्यूज आ जाते जब $100 मिलता था, 15 लाख पेज व्यू पे $100 मिलता था, ठीक है। एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग में थोड़ा CPC कम होती है, जैसे जैसे आपका चैनल ओल्ड होने लगता है, मेरे भी चैनल पे पहले 3,000 पे मिलता था, 2,500 पे मिलता था, 2,000 पे मिलता, आप देखो कम पे और मिल रहा है 1,600-1,700 पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये होता है बिल्कुल। अंशुभाई मैं एक बात और बताना चाहूंगा ऑडियंस को, कि आप मान के चलिए वीडियो डाल रहे हो कोई भी, ठीक है, और आपकी कोई एक वीडियो थोड़ा सा वायरल चली जाती है, थोड़ा सा जाती है भले ही, आपको एक काम करना है, फिर जो आपकी वीडियो वायरल गई है उसी टॉपिक पे बार बार रिपीट करके कंटेंट ढूंढ के बार बार बनाना है, गारंटी के साथ चैलेंज कर दो यार, चैनल वायरल हो जाएगा। गाइस जो भी वीडियो वायरल हो जाए उसी टॉपिक पे बार 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 बार, और एक दिन में कितना वीडियो डालना चाहिए इनको अभी प्रेजेंट स्टार्टिंग में? एक दिन भाई कितने भी डाल सकते हैं, एक डालो, यहाँ पे तो क्रिकेट में तो 15-20 भी डालते हैं यार, 20-20 डालते, कोई भी निकल सकता है, बताऊ नोटिफिकेशन जो YouTube भेजता है वो 3 वीडियो के भेजता है 24 घंटे में, ठीक है, मगर जो मेरे खुद के व्यूज आते हैं वो नोटिफिकेशन से बहुत कम आते हैं। ब्राउज फीचर तो यार डालो ना फिर, हाँ डालो, ब्राउज फीचर से आ रहा है डालो, मतलब सही कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर हमने भाई से पूरा इंटरव्यू लिया, आपको सारी जानकारी मिली होगी कि आखिर इन्होंने कैसा कमाया, क्या स्ट्रगल लाइफ थी, और कहाँ से कहाँ आए, और 1 मिलियन पे है, प्ले बटन भी इनका है, सब प्यारे भाई, ठीक है, तो एक बार देखना इनके चैनल पे जाके, विजिट करना UTV News24, देखना कि कैसे ये काम करते हैं, और आगे आपका और कुछ प्लानिंग है YouTube की? अच्छा मैं आपको बता दूं कि जब मैं काम करता हूं तो मतलब ऐसा लगता था कि यार जो अपन लोग सीख चुके हैं जनता को थोड़ा सिखाया जाए, अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसीलिए मैंने एक और चैनल खोला टेक्निकल अंशु भाई की कैटेगरी में, अच्छा, उसमें थोड़ा सा बताता रहता हूँ मैं कभी, जब टाइम बहुत कम मिलता है, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊंगा, अंशु भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया रात से अब तक, तो मैं थोड़ा एक्टिव रहा करूंगा, इनके चैनल का लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लेना, टेक भंडारी करके, मिस्टर भंडारी करके, और शायद कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फाइनली गाइस वही मैं एक्सपीरियंस वही शेयर कर सकता हूँ जो मैंने सीखा, अच्छा अच्छा, प्रो यूट्यूब नहीं बना सकता, अच्छा 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 तो आपने कभी नहीं लिया परचेज? नहीं कभी किया, नहीं कभी ना, आप लेना यार गाइस, आपसे देखो एक्सपीरियंस आपको आपको खुद से मिलेगा, कोई आपको दे नहीं सकता पैसे में, ये बात को समझ। अच्छा मानसो एक चीज बताना चाहूंगा, ये कोर्स की बात चल रही ना, तो आप मेरे YouTube News 24 जाके पहली वाली वीडियो देखना और अब की देखना, कितना हाँ बहुत अंतर आपको मिल जाएगा, वॉइस वगैरह में सब कुछ तो आता है, तो भाई मेहनत से आता सब कुछ, कोर्स वोर्स कुछ नहीं होता यार। तो फाइनली गाइस आई होप कि भाई साहब जो भी आपको बताना चाहे हैं आप समझ गए होंगे, अब आपको किस वे से काम करना है IPL में, कैसे कैसे वीडियोस बनाने हैं, हाँ वहाँ पे बता सकता हूँ, हाईलाइट बता सकते हैं वहाँ पे, मैं हाईलाइट फोटो लगा के बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल हाईलाइट तो बहुत चलता है, मगर एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैच खत्म हो गया तुरंत वीडियो आनी चाहिए, तुरंत वीडियो आनी चाहिए, पहले भी बना के रख लो थोड़ा बहुत,
आपको सारे आइडिया पता चल गए होंगे। और मान लीजिए कोई क्लिप डालना चाहे तो कैसे डाले, कोई वीडियो का क्लिप डाले, वीडियो का अगर क्लिप डालना है भाई आपको, मन नहीं मानना है आपका, तो आपको एक काम करना है, स्टार्टिंग में बूस्ट चाहिए तो अगर क्लिप से मिल जाता है तो मैं आपको बताऊं, आपको वीडियो डाउनलोड करना कहीं से भी कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा कि कहाँ से करना है, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो। वीडियो डाउनलोड आपने कर ली, उसके बाद उसका जो लोगो है वो नहीं दिखना चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा सा जूम कर देना, वीडियो जूम कर देना, और ये स्कोर कार्ड जो नीचे दिखता है वो तो भाई बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, यही मेन होता है। ये मान लेना आपकी वीडियो पब्लिश बाद में होगी, कॉपीराइट पहले आ जाएगा, तो वो स्कोर कार्ड नहीं दिखना चाहिए, और वीडियो की आइकन दिखना चाहिए, और जो अनसोई जो वीडियो की जो लेंथ है ना चार से पांच सेकंड रखने में, चार से पांच सेकंड आपको इस वीडियो में से ले ली, चार से पांच सेकंड उस वीडियो में से ले ली, टोटल मिला करके और एक वीडियो बना सकते हो। बसरते मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत भाई बहुत है भाई, काफी डेटा खर्चा होने वाला है इसमें, बहुत मेहनत करनी, कोई नहीं फोटो यूज करके आप बना सकते हैं ये भाई साहब, जो कलर करेक्शन आपको करना पड़ेगा, कलर अच्छा उसका ब्राइटनेस वगैरह, ये है कलर करेक्शन करना पड़ेगा, और उसकी जो स्पीड है थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप क्लिप डालना चाहें तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी गाइस, इनके भाई के चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मिस्टर भंडारी, अगर आपको इनका एक्सपीरियंस देखना है सीखना चाहते हैं, अच्छा लगे तो करना, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फाइनली आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को भी सपोर्ट करें, देख लेना चैनल पे कैसे कैसे काम करते हैं, सीख सकते हैं, खुद आप देखिए और सीखिए। मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ अच्छा। हर महीने की कि भाई मेरे इस महीने की पेमेंट दिया, अच्छा, ये आई है, ये हुआ, मोटिवेट भी करते रहते हैं, मोटिवेट भाई, अर्निंग बहुत जरूरी अच्छा है। अच्छा, तो फाइनली आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, जय हिंद जय भारत।